और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। जश्न जैसी तस्वीरें दरअसल देखने को मिल रही है। भक्तों में खासा तौर पर उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी की अलग ही धूम देखने को मिलती है। अलग ही माहौल वहाँ पर होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर खासतौर पर तैयारियाँ की जाती है और बस इंतजार है रात 12 बजे का, जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव धूम धाम से मनाया जाएगा। तो देखिए, देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हर एक मंदिर में विशेष तौर पर तैयारियां की गई है, साज सज्जा की गई है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्याम रंग में सभी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, श्री कृष्ण की भक्ति की ये तस्वीरें आप देखिए, चाहे मथुरा की हम बात कर लें, उज्जैन की बात कर लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या विशेष साज सज्जा की गई है, मंदिरों में क्या नजारा देखने को मिल रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे जगह जगह से किस तरीके की तस्वीरें हैं। और चलिए ठीक है, अब रायपुर से हमारे साथ टिकेश वर्मा जुड़ गए, इसके साथ ही उज्जैन से संतोष कृष्णारी हमारे साथ जुड़ गए, ग्वालियर से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं संतोष का रुख करना चाहूंगी। संतोष, धर्म नगरी उज्जैन में किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? आपके पीछे हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। जरा नजारा दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, पूरा का पूरा मथुरा वृंदावन उज्जैन धर्म की नगरी में उमड़ा है। और आप देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं इस्कॉन मंदिर में, जहां आकर्षक तरीके से ताजे फूलों से, ताजे फलों से सजाया गया है, जो सभी के मन को मोह ले रहा है। और हजारों की संख्या में भक्तगण भी इस्कॉन मंदिर में पहुंचकर विधि विधान के साथ कान्हा का दर्शन कर रहे हैं। कान्हा के सामने नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक जो जन्मोत्सव का पर्व रहता है, वैसे ही जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बड़े ही धूमधाम के साथ जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। और हम आपको दिखाते हैं कतारों में लगकर, लगभग 3 से 4 घंटे का लाइन कतारों में लगकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। और आकर्षक तरीके से यहां साज सज्जा को देखते हुए भगवान कान्हा के सामने झोलियां फैलाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। वो बाल ननिहाल जो परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी कान्हा के रूप में तैयार होकर वो भी कान्हा के प्रांगण में आए हैं। और एक उत्साह का माहौल पूरे परिसर में छाया हुआ है। और बिल्कुल संतोष जी देख पा रहे हैं, तस्वीरें काफी अद्भुत है, भव्य है। आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, आप किस मंदिर में मौजूद है, जरा वहाँ की भी तस्वीरें दिखा दीजिए। श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह है और भगवान श्री कृष्ण का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है? देखिए, बिल्कुल इस समय हम गोपाल मंदिर में खड़े हुए हैं। और सबसे खास बात इसमें यह है कि जो राधा कृष्ण की प्रतिमा होती है, प्रतिमा है इस मंदिर में मौजूद है, उसको 100 करोड़ के जो जेवरात हैं उनसे सजाया गया। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में पहुंचते हैं। पहले मैं पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। उमेश, आप बने रही रहा, आपने देख ली। जरा रायपुर से दिखा देते तस्वीरें किस तरीके की तैयार हैं। टिकेश वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। टिकेश, आप किस मंदिर में मौजूद है और किस तरीके की तैयारियां हैं? हालांकि आपके पीछे आप देख पा रहे हैं विशेष साज सज्जा की गई है। जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर पर। मंदिर की हम आपको अलौकिक वो तस्वीर दिखाएंगे, जिसको भक्त सुबह से देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया की जो दर्शन करने के लिए वो पहुंचते हैं। ये अद्भुत नजारा है। बता दें कि 11:30 बजे ये पट बंद हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया को पंचामृत के साथ स्नान कराया जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी कि भगवान श्री कृष्ण नंद गोपाल का जो जन्म उत्सव है उसको मनाया जाएगा। खास बात है कि राजधानी रायपुर के कोतवाली थाने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और थाने से लेकर के श्री कृष्ण को नंद बाबा मंदिर तक लाते हैं और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देश का पहला एक ऐसा मंदिर है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जो दर्शन है वो भक्त थाने से लेकर के मंदिर तक करते हैं। पीछे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि सुबह से ही भक्तों का जो ताता है वो मंदिरों में लगना शुरू हो चुका है। छोटे छोटे के कन्हैया बनके, नंद गोपाल बनके, नंद लड्डू बनके यहाँ पर पहुंचते हैं और भजनों का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रख्यात भजन गायक यहाँ पर पहुंचे, तो तमाम तरीके की जो तस्वीर है वो मनमोहक तस्वीर है और दूर दूर से यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की अनेक खासियत है और खासियतों के बीच भक्त यहाँ पर पहुंचते करीबन 54 साल। भगवान श्री कृष्ण का आकर्षक श्रृंगार किया गया, इसके साथ ही बड़ी संख्या में हम देख पा रहे श्रद्धालु भी पहुंच रहे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए टिकेश। और यहाँ रुकना छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखाएंगे किस तरीके से जन्माष्टमी की धूम है, जगह जगह की तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे।